ओ भाई, यार मुझे कहाँ से लेकर जा रहे हो? इतनी सुनसान जगह पे। आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता आहिस्ता। आपको सामने गाड़ी नहीं दिख रही है भाई, क्या कर रहे हो आप? आहिस्ता चलाओ भाई। पता नहीं मेरा क्या हुलिया हुआ भाई, क्या हालत हुई हुई है। यहाँ से कोई अच्छे से कपड़े लेती हूँ ताकि किसी को पता ना चले आज मेरे साथ क्या हो रहा है और कैसा दिन गुजरा है। हाय अल्लाह, ये क्या होने वाला है मेरे साथ, अल्लाह ही खैर करे। आधी रात का टाइम हो गया, 12 बज गए और अभी तक मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा आज का वीलॉग बाकी के वीलॉग्स की तरह नहीं है, जिसमें मैं हमेशा हंसी खेल कूद और मजाहिया चीज़ें करती हूँ, कोई अच्छी सी हैप्पी हैप्पी बात करती हूँ। आज का वीलॉग बहुत ही अजीबो गरीब है, क्योंकि मैं अपने घर का रास्ता भूल चुकी हूँ। बहुत जगह इस बंदे ने मेरी हेल्प की है, ये बहुत अच्छा आदमी है जो बाइक पर बिठा के मुझे डिफरेंट स्ट्रीट्स में, जगहों में, गलियों में लेकर गया है और मुझे दिखाता रहा, बाजी क्या आप इस जगह को पहचानती है? मैंने कहा नहीं। क्या आप इस गली को पहचानती है? मैंने कहा नहीं। क्या आप इस गली को जानती है? मैंने कहा नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा आदमी है, ये मेरी मदद करेगा मेरा घर ढूंढने में। और इसने मुझे कहा था आप गाड़ी ना करवाएं, आप बाइक करवा लें, इस तरह से आप फेस सेफ भी महसूस करेंगी और आप जगह भी अच्छे से पहचान लेंगी। तो बहरहाल मैं इसकी बाइक पर हूँ। ये तो बड़ी तेज़ चला रहा है, ऐसी ऐसी हवाएं मेरे ऊपर आ रही है। हुआ कुछ ये था, आज सुबह 10 बजे मैं बाहर निकली शॉपिंग पे, गलती से मैं एक गली गलत मुड़ी हूँ और उसके बाद सारे का सारा नक्शा इस दुनिया का बदला हुआ था। गुस्से से और डर के मारे मुझे रोना आ गया। इस बंदे ने मुझे देखा, उसने मुझे कहा मैडम आपसे मैं कोई पैसे नहीं लूँगा, इतना अच्छा आदमी है। यानी कि हम समझते हैं सिर्फ पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं, जो कि वाकई में बहुत हेल्पफुल होते हैं पाकिस्तानी लोग, मगर इस बंदे ने मेरी हेल्प की, मुझे बिना किसी एक रुपया चार्ज किए अपने साथ बिठाया और मुझे मुख्तलिफ जगहों पे लेकर गया है, मुझे मार्केट्स में भी लेकर गया और कहा आप किसको पहचानती हैं? मैंने कहा नहीं। इसने एक चीज़ अच्छी की थी कि इसने मुझे एक बंदे के पास रोका और कहा कि क्या ये कुछ 5-6 औरतें थी और मर्द थे, और उनसे पूछा कि क्या आप इस लड़की को जानते हो, ये कौन से घर में रहती है? उन्होंने कहा हम नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि ये किसी और शहर से आई है। बहरहाल इस बंदे ने मेरी बहुत मदद की है, जगह जगह जाके हमने जगह ढूंढी कि शायद कोई जगह मेरी जान पहचान की हो। और फिर क्या होना था, इतनी देर में घूमती रही कि रात के 12 बजे भी मैं अपने घर नहीं पहुंची और वो वीलॉग के एंड में ही पता चलेगा हुआ क्या मेरे साथ। मगर इस सारे चक्कर में मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं कल्चर एक्सप्लोर कर रही थी इन लोगों का। खौफ अगर पाकिस्तान में होती तो थोड़ा मुझे ज़्यादा होता, क्योंकि दहशतगर्दी का खौफ होना हो, डकैती का खौफ तो होता ही होता है पाकिस्तान में। और हालांकि अपना मुल्क है, अपनी ज़ुबान है, अपना कल्चर है, हर चीज़ की समझ है, ज़ुबान भी एक है। यहाँ पे तो लोगों की ज़ुबान भी मुझे नहीं आती, इनको मेरी ज़ुबान नहीं आती, इनको तो इंग्लिश भी नहीं आती है। डर खौफ मुझे था क्योंकि मैं घर का रास्ता ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा भूली हूँ इस मुल्क में आकर। एक बहुत पहले घूम गई थी और एक अब घूम गई हूँ मैं। मगर लोगों को देखकर मुझे थोड़ा हौसला भी हो रहा था और हौसला पस्त भी हो रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा अननोन चेहरे, इतने इतने अनजान लोगों को देख के खौफ मेरे दिल में बैठ ही जा रहा था। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ के लोग मदद बहुत करते हैं और इनको ज़ुबान आए ना आए ये आप पर गुस्सा नहीं करते। आपको गुस्सा आ रहा होता है कि यार इसको मेरी ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश आती है, ना इशारे समझ आ रहे हैं, लेकिन ये लोग चाहे आपको ज़ुबान समझ आए ना आए, ये आप लोगों की हर हाल में मदद करते हैं। मुझे अचानक याद आया कि मुझे किसी ने कहा था कि न्यूज़ीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, ये 2 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और अच्छे लोग मिलेंगे, जो आपकी मदद करेंगे, जो आपसे अच्छे से बात करेंगे, उनका कल्चर बहुत सॉफ्ट है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ के लोग मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे हैं। मैंने तो सिर्फ सुना है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग आपकी बहुत मदद करते हैं, आपके साथ स्वीट हैं। और साथ में मुझे किसी ने ये भी कहा था कि कराची में लोग आपको सही रास्ता बताते हैं घर का, लाहौर में लोग आपको कहते हैं नैरो नैरो जाओ और भटका देते हैं, और लाहौर में लोग आपकी मदद नहीं करते। लेकिन क्योंकि मैं पक्की लाहौरी हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं, ईंट ईंट और पत्थर एक कर देते हैं लोगों को हेल्प करने में और लोगों को सही रास्ता बताने में। अब हम क्या करें अगर सब चीज़ें नहरों नहर आती। और यहाँ पर एज़ यूजुअल लड़कियाँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं, यहाँ पर मर्द कम नज़र आते हैं मगर लड़कियाँ यहाँ पर ज़्यादा नज़र आती हैं। इस बाइक वाले ने मेरी बहुत मदद की, कितनी दूर से मुझे लेता आया, यहाँ तक कि शाम हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मगरिब का वक्त होने लग गया। मेरा दिल भी घबरा रहा था, लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि ये बंदा मेरी मदद तो हर हाल में ही करना चाह रहा था और मेरे पास ना इंटरनेट ना फ़ोन। इस बंदे ने मुझे कहा कि आपके पास अगर फ़ोन नंबर हो तो आप मुझे कॉल कर दें। मैंने कहा जाहिर सी बात है मेरे पास फ़ोन है, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था कि उस बंदे को मैं फ़ोन करती और वो मुझे फ़ोन करता। और रही बात इंटरनेट की, तो उस बंदे ने मुझे अपना हॉटस्पॉट दिया, जो कि कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, शायद उस बंदे के पास आईफोन था, मेरा बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ। और जब मगरिब हुई, और मगरिब में इस मुल्क में या इस शहर में हमेशा मगरिब के टाइम ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगा होता है, जो कि और भी जो है मुझे डरावनी चीज़ लगती है। मेरा दिल घबराता है जब मगरिब के टाइम कोई शख्स बहुत ऊंची आवाज़ में बात करे या इवन म्यूज़िक लगाए।
खैर मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी देर उतर जाती हूँ और देखती हूँ कि इस जगह से शायद मैं थोड़ी बहुत मानूँ, सो थोड़ा बहुत मुझे पता ही हो क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी देर से रह तो रही हूँ। इस बंदे को भूख लग रही थी, उसने सोचा खाना खा ले। मैंने सोचा अगर मैंने कहा मुझे भी खाना खिला दो तो वो कहेगा हाथ दिए बाजू पकड़ लिए। बहरहाल वो बंदा खाने के लिए उतरा, मैं यहाँ मॉल में आ गई। भूख मुझे बहुत लग रही थी लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के गोल्ड देखती हूँ, ज्वेलरी देखती हूँ, कपड़े देखती हूँ। दिल किए एक आधे कपड़े भी ले लूँ लेकिन इतने पैसे भी नहीं थे कि एक ड्रेस ले लेती मैं। और हुलिया भी ऐसा हुआ हुआ था कि मैं खुद चोर और मकार लग रही थी। लोगों ने कहना है मकार औरत कौन है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत शो करूं कि ये महंगे महंगे ड्रेसेस मैं लेने ही लगी हूं। लेकिन डिज़ाइन पसंद नहीं आया, कट पसंद नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ड्रेसेस ये शो करके वहीं पर छोड़ दिए। और सबसे हैरत की बात यह है कि जब मैंने इस दुकान में झांका, इसके पीछे एक रेस्टोरेंट था और इस रेस्टोरेंट के पीछे वो लड़का खाना खा रहा था जो मुझे ड्राइव करके हर जगह लेकर जा रहा था। और मैंने देखा वो क्या खा रहा है, वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो सभी लोगों का फेवरेट खाना हो सकता है। उसमें थोड़ा सा पोर्क था और सांप था क्योंकि सांप की दुम बाकायदा हिल रही थी और जो उसमें श्रिम्प्स थे वो ज़िंदा थे, वो उड़ के उसके मुँह पर माथे पर बैठ रहे थे जब वो खाना खा रहा था। ये ड्रेसेस बहुत प्यारे हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर सब चीज़ें सस्ती हैं लेकिन मॉल्स के अंदर चीज़ें बिला वजह और फजूल में महंगी हैं। और जब मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली तो मैंने क्या देखा कि ये बंदा छोटे बच्चों के कपड़े देख रहा था। वहाँ से मुझे पता चला ये बाल बच्चेदार आदमी है, इसके बच्चे हैं खुद के, इसलिए ये थोड़ी कोशिश कर रहा है कि इसको अपने बच्चे के लिए कपड़े मिल जाए। लेकिन शायद इसी वजह से इसको मुझ पर तरस आया था कि इसको मैं कपड़े ले दूँ, कपड़े नहीं ले दूँ घर तक पहुँचा दूँ। वैसे तो बुरे को घर तक पहुँचाया जाता है। एक बात है वैसे, जिन लोगों ने पाकिस्तान के एम्पोरियम मॉल और पैकेजेस मॉल के चक्कर लगाए हुए हैं, इवन अमाना मॉल के और बाकी मॉल्स जो भी पाकिस्तान में हैं, उनका इन मॉल्स में कभी दिल नहीं लगेगा क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े मॉल्स देखे हैं जो कि आई थिंक दुबई की नकल के हैं। पाकिस्तान में इधर जो है मॉल्स ऐसे हैं कि लगता है कि हम किसी बस छोटे प्लाजा में आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने काफ़ी तरक्की की है मॉल्स को अगर जहन में रखे तो। इधर मुझे थोड़ा जुनून चढ़ा था ऊपर की वीडियो बनाने का, करते करते क्या हुआ मेरी जेब से थोड़े बहुत कॉइन्स थे वो नीचे गिर गए। ना सिर्फ वो नीचे गिरे, मुझे इतना चक्कर आया जो चक्कर आज तक मैं लोगों को देती आई हूँ वो सारे चक्कर आज ही के दिन मुझे आए। इधर जब मैं नीचे झांक रही थी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार काश मेरे हाथ कोई ऐसी चीज़ लग जाए कि कोई शख्स चोरी कर रहा हो उसकी वीडियो नेचुरल बन जाए, कोई शख्स हिसाब में ऊंच नीच कर रहा हो, नाप तोल ऊपर नीचे कर रहा हो, मेरे हाथ ये वीडियो लग जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई एडवेंचर नहीं मिला, सीरियस बस बोरियत ही मिली मुझे। लोग कारोबार कर रहे थे, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे, जो कॉफ़ी पीने वाला शख्स था कॉफ़ी पी रहा था, काम करने वाला शख्स काम कर रहा था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, यहाँ पर लोग हर वक्त सेलफोन्स यानी अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। मतलब हमारे यहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारे फल वाले बैठे होते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं लेकिन आपस में बातें भी करते हैं। बहरहाल मॉल से फारिग होकर हम यहाँ से बाहर निकले। इस टाइम तक बेचारा ड्राइवर जो है जुनूनी हो चुका था, पागल हो चुका था, हालांकि इसने खाना भी खा लिया था लेकिन इतनी इसने फास्ट ड्राइव की, इसने इशारे भी काटे जो कि कभी नहीं तोड़ते ये लोग इशारे, इसने इशारे भी तोड़े, इसने गाड़ी वालों को ओवरटेक भी किया वो भी लेफ्ट साइड से। अब पता नहीं बाइक वाले लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते हैं कि नहीं, अव्वल तो राइट से ही मेरे ख्याल से सबको ओवरटेक करना चाहिए। इसने मुझे इतना परेशान किया कि मेरा दिल किया भाई बेहतर है कि मैं यहाँ पर रास्ता घूम जाऊँ, जाके तुम्हारे साथ घूम घूम के पता नहीं कहीं घूम ही जाऊँ मैं। लेकिन इस बंदे ने हेल्प की जितनी ये कर सकता था। आधी रात जब हो रही थी, अभी तो 10 बजे थे, तो मेरा दिल घबराने लग गया। जब 11 बजे 12 बजे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आने वाली है कि आपके घर वालों ने आपको ढूंढ लिया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ग़ुलाम बाद साहब का आया फ़ोन, और मुझे नहीं फ़ोन आया जी एक दुकान पर, और उस दुकान वाले ने मेरी पासपोर्ट की फ़ोटो अपने पास रखी हुई थी और वहाँ से मेरा नंबर बड़ी मुश्किलों से ट्रेस हुआ। इस मुल्क के नंबर पे उन्होंने फ़ोन किया और पता नहीं इन्होंने कैसे निकाला, हाई टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है तो कहीं से भी नंबर निकलवा सकते हैं पासपोर्ट के ज़रिए, कैसे ये मुझे अभी तक इल्म नहीं है। लेकिन उस बंदे ने जब नंबर निकाला तो इस राइडर को बहुत तसल्ली हुई, उन्होंने आपस में अपनी ही ज़ुबान में कोई बात की और फिर ये मुझे 1000 की स्पीड अपना स्पीडोमीटर तोड़ता हुआ कौन सी गली से कूचों से निकालता हुआ मुझे लेकर गया। हम पहले जिस दुकान फिर रुके उसका नाम बिक्सी था, पता चला बिक्सी की इस ब्रांच पे गुलामबाज नहीं मेरा वेट कर रहा था। फिर हम ऑल द वे दूसरे बिक्सी पे गए जो कि बड़ी ख़तरनाक जगह थी क्योंकि वहाँ पे पतली पतली गलियाँ थी और आवारा कुत्ते थे जो बाइक पर आपकी पिंडलियाँ काट कर नोचने की कोशिश कर रहे थे।
इस दौरान एक अजीब सी चीज़ हुई। अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ थी, मे बी आप लोग बता सकें ये क्या चीज़ है, मेरे तो इल्म से बाहर है। जब इस ड्राइवर को पता चला कि मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढ लिया है, पासपोर्ट के ज़रिए मुझे फ़ोन कॉल भी कर ली है, तो इस बंदे ने मुझे कहा कि आप मुझे थोड़े से पैसे जो हैं चार्ज कर सकती हैं, यानी आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हैं, क्योंकि इस बंदे ने कहा था मैं आपको फ्री में जो है आपकी जगह ढूंढ के बता दूंगा। उस टाइम मुझे बुरा भी लगा, अजीब भी लगा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगा क्योंकि इसका हक था। सारे दिन से मुझे घुमा रहा था तो इसका हक था कि ये पैसे लेता। लेकिन एक सेकंड के लिए मुझे खौफ आया कहीं कि डाकू डकैत तो नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा जाता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, लेकिन एहसान तो इसने मुझ पे किया था, इसलिए मैंने कहा नहीं, मुझे इसे डरने की ज़रूरत नहीं, इसको मुझसे डरने की ज़रूरत है क्योंकि इसने मुझ पे एहसान किया, मैंने इस पे कोई एहसान वहसान नहीं किया था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। और जब मेरे दिमाग में आया कि इस गुलाम अब्बास से पैसे लेकर दूंगी, फिर तो मैंने कहा क्यों नहीं, आज तो मजे कराऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी, चाय पानी पी, कॉफ़ी पी। मैंने कहा डोंट वरी, गुड मनी आई गिव यू। तो बंदा खुश हुआ, लेकिन उसने और तेज़ स्पीड कर ली, और तेज़ स्पीड कर ली। करते 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 जब हम बिग सी मॉल में पहुंचे तो वहां पे मैंने देखा गुलाम अब्बास साहब खड़े हैं, बड़े हंसी खुशी, इतनी बड़ी हंसी, इतनी बड़ी चहचहाती हुई मुस्कुराहट लेके खड़े हुए। जब मैंने कहा गुलाम अब्बास आगे से 100 रुपया दे, हमने इस बंदे को देने, उसी वक्त गुलाम अब्बास की सारी हंसी गायब। तो कहते बाजी ऐ तुम्हानू तो मुफ्त नहीं लेकर आया शी। मैंने कहा मुफ्त में नहीं कुछ होता इस दुनिया में कुछ, इस बंदे ने बड़ी मदद की है मेरी, यहाँ तक कि पूरा पेट्रोल सारे दिन से लेकर रात तक 12 बज गए मुझे लेकर आया, तो इस बंदे को पैसे दे। इसके बाद गुलाम अब्बास ने इस बंदे को थैंक यू भी नहीं बोला, पैसे देते हुए उसको गुस्सा चढ़ा गुलाम अब्बास को, और सारे रस्ते गुलाम अब्बास फिर खामोश रहा। लेकिन मैंने कहा गुलाम अब्बास शुक्र कर तेरी बाजी घर आ गई है, क्योंकि उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है गुलाम अब्बास को जब इसके ऊपर कोई बात आ। जब पापा ने कहा था गुलाम अब्बास का कसूर है कि मैं घूम गई, उन्होंने कहा ज़ारा घूमी है तेरी वजह से गुलाम अब्बास, क्योंकि तूने बाजी का ख्याल नहीं रखा। बहरहाल रात के 12 बजे मैं अपने घर वालों को मिल गई।